प्रदर्शनी के साथ साथ हम आ गए हैं इस मंदिर में। यहाँ हो रहा है शायद भंडारा। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है, देखिए उधर तक जाना है, ऊपर तक, टॉप तक। अभी हो गया है रात के 8:30 का टाइम हो गया है, हमारी गाड़ी रख गई है, आओ चलते हैं, आ जाओ। चलो चलो, तो बहुत प्यारी डेकोरेशन है, चलो दिखाते हैं। देखो ये है, पहाड़ी पर है ये पूरा मंदिर, वैष्णो माता के जैसा। अभी बहुत ऊपर जाना है। आ गए, चढ़ गए, बहुत ऊपर है ये, देखो इतनी सुंदर सजावट है, देखो बहुत ऊपर आ गए। सांस है, चलो फिर पापा जी के पीछे, इधर आ बेटे, इधर आओ। मंदिर पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, हम लोग आ चुके हैं, और ऊपर आकर काफी मैदान है, नया मंदिर है, हम यहाँ पहली बार आए हैं, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। लो आज भी तो मैं से पकड़ो, मैं आती हूँ, मत पकड़ लो, पकड़ो बेटा, जय भी जानना है मुझे, अभी कील ही नहीं है सब काम तुम्हारे में। फ्रेंड्स, ये है चंडी माता का मंदिर। चंडी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर, और पहाड़ी के एकदम ऊपर है। और हम आए थे प्रदर्शनी देखने, प्रदर्शनी के बगल से ही डेकोरेशन थी वो पहाड़ के ऊपर जाने के लिए, तो फिर हम यहाँ भी आ गए हैं घूमकर। इसका अनाउंसमेंट तो बहुत दिन से हो रहा था, और सत्संग चल रहा है यहाँ काफ़ी दिन से, उसी में ये भंडार भी हो रहा है। आ जाओ, यहाँ पे मतलब वो भी चलता है, चलनी है अभी, क्यों यहाँ भंडार को लंगर बोलते हैं, मैं तो भंडार बुंदेलखंडी भाषा बोल रही हूँ हमारे गांव की, यहाँ सब लंगर बोलते हैं। और अभी रात का 9 बज गया है, मैं किसी दिन आपको दिन में दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ भंडार मतलब लंगर हर 2-4 दिन में होते रहते हैं, यहाँ लोग पुण्य का काम बहुत करते हैं। किसी दिन जब दिन में हम जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के बाद ना बहुत प्लेन एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एरिया था, तो भंडारा खाना था ना। चलो अब अपना मोबाइल तुम पकड़ो। भंडार का भोजन बहुत किस्मत से मिलता है, ये प्रसाद होता है। आज हमारी कहीं जाने की, घर से निकलने की कोई प्लानिंग नहीं थी, और माता ने हमें बुला लिया है, हमें नहीं था पता कि यहाँ भंडार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी भंडार हुआ करे आप वहाँ का प्रसाद जरूर खाया करिए।